प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्राम बिरजापुर के नागरिक मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं। जब वहां हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। वहां के मुख्य मार्गों पर सड़क कम, पानी गड्ढे ज्यादा थे। वहां एक ट्रांसफार्मर भी पानी के बीचों बीच रखा नजर आया, जिसके कारण करंट आने से कोई बड़ी घटना का अंदेशा भी नजर आ रहा था। हम आपको बता दें कि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जो कि इन्हीं मार्गों से प्रतिदिन स्कूल पढ़ने जाते हैं। यहां सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है, जिससे नालियों का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है और सड़क बन जाती है ताल तलैया। गांव की समस्या के बारे में नागरिकों ने मंच न्यूज को जानकारी दी। क्या नाम है आपका? मैं पंचम सिंह ब्रजवासी, भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर हूँ। यहाँ की मुख्य परेशानी ये है कि हमारा रोड ये कम करीब 3 साल से हम लोग इसमें परिस्थिति में घूम रहे हैं, परेशानी में घूम रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे और भी स्कूल आ गए हैं, वहाँ बच्चे जाते हैं, वो बच्चे गिरते हैं और बहुत परेशानी है यहाँ ठोरी। हम 3 साल से सांसद, विधायक और अब मैं मेयर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना करते हैं ग्रामवासी कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और हम डीएम साहब को भी गए और अन्य विधायक रहे उनके पास भी गए, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। हम 3 साल से इस परेशानी को भोग रहे हैं लेकिन कोई समाधान हमारा नहीं हो रहा। और ये कहने में आ रहा है कि यहाँ जो है जिसे कहीं से पैसा भी आ गया है अभी, लेकिन वो पैसा आ गया, टेंडर हुए वो ख़त्म समाप्त हो गए, वो कैंसिल कर दिए गए, या किस वजह से किए हमें पता नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, पैसा पड़ा हुआ लेकिन हमारी समस्या समाधान नहीं है। दूसरी समस्या हमारी एक और है कि जो रास्ते में जो बिजली का जो ट्रांसफर लगा है उसमें करंट आता है, पानी भरा हुआ है, वहाँ परेशानी रहती है, बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं कि निकल के। विद्युत वाले इस चीज़ को देखने आए कभी? कभी नहीं देखा उन्होंने, हमने खूब शिकायत करी है, खूब बताया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे दूसरी टंकी बनी हुई है, ये 2 महीने पानी चल के बिल्कुल ही खराब हो गई। अब ये टंकी वाले कहते हैं निगम वाले कि आपका बिजली का बकाया है, तो उस बिजली का बकाया को हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार जहाँ पैसा गया आप उनसे पूछें क्यों नहीं बिल जमा हुआ, जिस ऑफिस ने दिया है, जिस विभाग ने पैसा दिया जल निगम को, वो अपने आप देखेंगे कि भाई पैसा कहाँ गया। हमें कोई परेशानी, हमारा जो है नल सुचारू रूप से चलना चाहिए ताकि ग्रामीणों को पानी और ये सड़क, हमारी जो मूलभूत समस्या है, स्कूल की समस्या है, नाली का पानी रोडों पर बह रहा है, कोई समस्या गंदगी समाधान खूब हो रहा है। इसके अंदर भी देखें तो कोई सड़क का हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है। सफाई कर्मी आते हैं, अपनी नाली थोड़ी सी अंदर गांव में साफ कर लिया और वो चले जाते हैं मलबा डाल के, और इसमें कोई सफाई व्यवस्था की कोई। आपका नाम क्या है? शिवचरण लाल। ये कौन सा गाँव है? गाँव बिरजापुर। कौन सा वार्ड संख्या है इसकी? वार्ड संख्या 2। क्या परेशानी है यहाँ जो है? यहाँ की रोड जो है लिंक रोड है, बाईपास से लगी हुई है ये 400 मीटर करीब, ये बिल्कुल पानी गड्ढे भरा हुआ है, बच्चे निकलने में बड़ी परेशानी होती है और मतलब जो है नाली जो है पानी, नाली के लिए पानी के लिए कोई रास्ता नहीं है और बच्चे बुजुर्ग जो जाते हैं ना स्कूल जा सकते हैं ना कोई गाड़ी आ सकती है, मेन रोड है ये, इससे हमको बहुत बड़ी परेशानी है। और यहाँ की जो टंकी है बिल्कुल हाथी बिल्कुल पड़ी हुई है, कोई पानी की सप्लाई नहीं है, बनी हुई है बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। कब से खराब पड़ी है पानी टंकी? जब से बनी है, जब से पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पे सफाई कर्मी वगैरह आते हैं? सफाई कर्मी चाहे भी अब आने लगे हैं। इससे पहले आपने कभी नगर पालिका को या फिर अपने ग्राम प्रधान को इसके बारे में अवगत कराया कि यहाँ की सड़कें खराब हैं? हाँ, हम बार बार बता चुके हैं और इसके लिए पैसा भी मंजूर हो गया है वहाँ से, सिद्धार्थ अशोक सिद्धार्थ के संसद की निधि से इसके लिए पैसा ही मंजूर हो गया है, 40 लाख रुपए मंजूर हो गया इसके लिए, परंतु अभी तक डीएम के खाते में आ गया है पैसा, परंतु अभी तक वो पैसा यूज नहीं किया गया है। एक बार टेंडर हुआ है वो निरस्त हो चुका है। अच्छा, ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर है, ये पढ़ने आते हैं तो उनको भी परेशानी होती है? हाँ, ये माध्यमिक विद्यालय जो है बहुत पुराना बना हुआ है, गारे का बना हुआ है, वो दीवार फटी हुई है, इसमें बच्चे का गिरने का डर है, न इसमें लाइट है, अंदर बच्चे गर्मी में टाइम है उसमें रहना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए यहाँ ये विद्यालय या तो यहाँ से हटा दिया जाए या इसको दोबारा निर्माण किया जाए। इसका बारिश के दिनों में यहाँ क्या हालत होती है? बारिश में तो यहाँ निकलना ही मुश्किल हो जाता है, घोंटू घोंटू पानी भर जाता है, बच्चे क्या बूढ़े कोई भी निकल नहीं पाते। हेमा मालिनी जी और विधायक श्रीमान मानवर श्री श्रीकांत शर्मा जी और मेयर, ये तीनों हमारे नवयुक्त साथी हैं, हमारे वो हैं नेता हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी सुनवाई अति शीघ्र की जाए, नहीं वरना हमारा धैर्य टूट गया तो प्रशासन को भी परेशानी होगी और जनता तो सफर करेगी, लेकिन हम तो इतने दुखी हैं कि हम इसके सारा कोई नहीं, शांतिप्रिय हम आंदोलन करने बाध्य होंगे।